यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरएलडी अब एक बार फिर नए सिरे से तैयारियों में जुट गई है। दिग्गज नेता रामाशीष रॉय को यूपी में पार्टी की कमान सौंपी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी चीफ जयंत चौधरी राज्यसभा जाने वाले हैं। आपको बता दें, जैसे विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को हार मिली, एक्शन लेने वालों में सबसे पहला शख्स जयंत चौधरी ही थे। उन्होंने पार्टी की सभी इकाई भंग कर दी थी और नए सिरे से संगठन के गठन का ऐलान किया था, और अब रामाशीष रॉय पर जयंत चौधरी ने भरोसा जताया। ऐसे में लोकसभा चुनाव रामाशीष रॉय की अग्नि परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी में अब वो जुट भी गए हैं। चलिए एक नज़र इनके सियासी करियर पर डालते हैं। ये अब से कुछ साल पहले तक बीजेपी नेता के तौर पर जाने जाते थे। ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू करके उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया। वो देवरिया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी में रामाशीष रॉय को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का खास भी माना जाता था। 2019 में बीजेपी ने रामाशीष रॉय को टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था और पार्टी से अलग हो गए। अब एक बार फिर रामाशीष रॉय के कंधे पर आरएलडी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। क्या रामाशीष रॉय जयंत चौधरी के भरोसे पर खरा उतरते हुए आरएलडी के लिए संजीवनी बनेंगे? ये दो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे।